तो हेलो वाइटीज फैमिली, वेलकम करते हैं आप सब लोग का एक और एफएफ टेक की न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आपका फ्री फायर लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्री फायर लॉगिन हो रहा है बट आपको यहाँ पर जाकर अटक जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, यहाँ से आके प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, ये फ्री फायर की गलती नहीं है, ठीक ना फ्रेंड। मेरे बात ध्यान से सुनिए, आप लोग इस वीडियो में मैं टोटल प्रोसेस के साथ बताऊंगा इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो एकदम इजीली, बट आपको करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक एक सेटिंग कर दोगे आपका ये ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपका जियो का सिम है, ठीक है, जियो का सिम कार्ड है, तो ये भर भर की प्रॉब्लम आने वाला है। और डियर, यहाँ पर देख सकते हो फ्री फायर डाउनलोड किया हो, ठीक ना, ओनली फ्री फायर, मैक्स नहीं। तो फ्री फायर आपको कैसे डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो डाउनलोड करते हो तो ये प्रॉब्लम भर भर के आने वाला ही है। अदरवाइज फ्री फायर मैक्स में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन कर लीजिए, एकदम पूरा फिक्स हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हो मेरा तो लॉगिन हो जा रहा है, ठीक ना, लेकिन मेरा तो जियो का सिम नहीं है क्योंकि मेरा है एयरटेल का सिम, तो एयरटेल का सिम से ऑटोमेटिक हो जाएगा, उससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेरा लॉगिन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन गाइस, आपका अगर नहीं हो रहा है तो देखिए मैं आप लोगों को क्या प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए उसका भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यार, इसके लिए आपको सीधा सिंपल अपने मोबाइल सेटिंग में चले जाना है, फोन के सेटिंग में चले जाना है, जो कि सभी लोग को मिलता है, ठीक ना, इजीली सभी लोग को फोन में सेटिंग एक मिलता है, वहां पर चले जाना आप लोग। अब सेटिंग में आ जाओगे तो सेटिंग में आने के बाद ऊपर एक सर्च बार दिखेगा, तो सर्च आपको करना है DNS, ठीक ना, सिर्फ DNS आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक प्राइवेट DNS करके कुछ आएगा, अभी देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर प्राइवेट DNS आ गया। तो दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना, देख सकते हो यहाँ पर आपको ये ऑन होगा तो आपको ऑफ कर देना है, ठीक ना। ऑफ करने के बाद, ठीक ना, आपको ऑफ कर देना है। और जस्ट ये मेरा दूसरा फोन है, ये मेरा थोड़ा पुराना फोन है तो ये पुराने जैसा आ रहा है, ठीक ना, अभी नए वाले में कुछ चेंज कर दिया तो दूसरे टाइप का होगा, तो आप लोग गड़बड़ाना नहीं, ठीक ना। करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना, और इसी के अंदर आपको ये दिखेगा प्राइवेट DNS प्रोवाइड इन होस्टेड, जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये मेरा पुराना फोन है तो ये मेरा कुछ इस प्रकार का सेटिंग आ रहा है। आपका थोड़ा नीचे दिया रहेगा, उससे थोड़ा नीचे दिया रहेगा, मॉडिफाइड करके कुछ ऐसा दिया रहेगा, वहां पर आपको दबना है, ठीक है, वहां पर आपको लिखना है जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो लिख देना है। यहाँ पर लिखना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लोगों को लिखना है यहाँ पर DNS.Google, ठीक ना, DNS.Google आपको लिख कर आपको सेव कर देना है, ठीक ना, इतना खाली सेव कर देना आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका इतना आपको कर देना है। और आपका फ्री फायर को सीधा सिंपल पूरा लॉग आउट कर देना है, पूरा बैकग्राउंड से उड़ा देना है, और उसके बाद लॉगिन करना है, उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो डियर, इतना प्रोसेस करिए और आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।